रॉयल्स रॉयस की कार कितना माइलेज देती है, इस इंसान ने क्यों कहा इंडिया का नाम चेंज कर देना चाहिए और पेन की कैप में छेद क्यों होता है। ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर 10, दोस्तों आमतौर पर एक सास और बहू का रिश्ता कैसा होता है ये तो आपको पता ही है, पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रहने वाली तंबोली परिवार की बहुओं को अपनी सास से इस कदर प्रेम था कि वह उनके देहांत के बाद मंदिर में उनकी प्रतिमा रखकर भगवान की तरह रोज उनकी आरती उतारने लगी। इतना ही नहीं, बहुओं ने सास की प्रतिमा को गहनों से श्रृंगार भी किया। नंबर 9, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, जिसे हम ये भी कहते हैं कि चल गया तो जान तक और नहीं चला तो रात तक। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ज्यादातर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कुछ ही समय में खराब हो जाते हैं, पर शायद आपने गौर किया हो कि उनमें लगे मेड इन चाइना के स्टिकर्स उन प्रोडक्ट से भी ज्यादा चलते हैं। दोस्तों मेड इन चाइना स्टिकर्स असल में मेड इन साउथ कोरिया होते हैं, इसीलिए उनके स्टिकर उनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा चलते हैं। नंबर 8, दोस्तों ये है जॉन चैम्बर्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य हैं। हाल ही में हुई एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि अगर मुझे किसी एक देश पर पैसा लगाने का मौका मिले तो मैं भारत देश पर लगाऊंगा, और अगर मुझे दोबारा किसी देश पर पैसा लगाने का मौका मिले तो मैं फिर से भारत देश पर ही पैसे लगाऊंगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। भारत के शेयर मार्केट ने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए हैं। नंबर 7, पेन की कैप में छेद क्यों होता है। वैसे तो कुछ लोगों का कहना है कि कंपनीज ये छेद इसलिए बनाती है ताकि पेन की इंक जल्दी सूख जाए और लोग नया पेन लेने पर मजबूर हो जाए, ताकि उनकी सेल्स में बढ़ोतरी हो। वैसे तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन हर रोज कई लाख बच्चे पेन का यूज करते हैं, इसकी वजह से कई बच्चे पेन का कैप मुंह में निगल लेते हैं, तो इस छेद की वजह से बच्चों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बाद में बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाकर उस कैप को निकाला जा सके, इसलिए ये छेद बनाए जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपने भी बचपन में पेन फाइट कभी खेली है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6, दोस्तों आपने कई तरह के ब्लड टाइप के बारे में सुना होगा, ए बी और भी कुछ कुछ टाइप के होते हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड टाइप कौन सा है। इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट ब्लड टाइप रेनल ब्लड है, जिसे कि गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। अब तक पिछले 50 सालों से ये सिर्फ 43 लोगों में ही पाया गया है। नंबर 5, हाल ही में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से देश का नाम बदलने की अपील की है। हसीन का कहना है इंडिया का नाम बदल दिया जाए, जिससे कि पूरी दुनिया हमारे देश को भारत या हिंदुस्तान ही कहे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए। आज के वीडियो का लाइक है 150 लाइक्स। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है भारत के पुरुष ही सिर्फ 1 महीने में 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बस बाल कटाने में खर्च कर देते हैं। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि नाई ही बन जाऊँ। नंबर 3, भिखारियों का बैंक। गाइस बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों का खुद का बैंक है। यहाँ पर भिखारी भीख में मिले पैसे जमा करते हैं और इस बैंक में कर्ज के साथ उन्हें उनके जमा किए हुए पैसों पर ब्याज भी मिलता है। इस बैंक की संचालन प्रक्रिया ऐसी है जिसमें 175 भिखारियों ने अलग अलग 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखा है। वैसे दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 2, रॉयल्स रॉयस के नाम लेने भर से ही रॉयल फीलिंग महसूस होती है। रॉयल्स रॉयस की कार के बारे में तो आपने कई वीडियो देखी होगी, नहीं तो सुना तो जरूर होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है रॉयल्स रॉयस की कार्स माइलेज कितना देती है। असल में रॉयल्स रॉयस की कार्स का माइलेज वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन अगर एवरेजली बोला जाए तो रॉयल्स रॉयस की कार का माइलेज 6 से 10 किलोमीटर पर लीटर होता है और एक नॉर्मल कार का माइलेज 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक होता है। नंबर 1, आपने अपने बचपन में लॉलीपॉप तो खाया ही होगा और लॉलीपॉप खाने के बाद जो स्टिक होती थी उसमें आपने ये छेद भी जरूर देखा होगा। पहले हम सोचते थे कि ये शायद सीटी बजाने के लिए दी जाती होगी, पर असल में वो छेद इसलिए होती है कि जब लॉलीपॉप बनाया जाता है तब उसका कुछ हिस्सा पिघल कर उस स्टिक के छेद में जाता है, ताकि लॉलीपॉप अच्छे से टिका रहे और लॉलीपॉप गिरे नहीं। तो गाइस जिन जिन दोस्तों ने वीडियो लास्ट तक देखी उन सबको थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।